नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अपने इस चैनल पर मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं अपने कुछ मील प्लानिंग, जो मेरे आइडियाज़ हैं और जो रूटीन रहा है, उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो मेरा रूटीन है, ये लगभग मैं पिछले 5 से 6 महीनों से मैं फॉलो कर रही हूँ और स्पेशली लॉकडाउन के पीरियड में मैंने इन्हें एक्सपीरियंस किया है। जब से लॉकडाउन हुआ है, ऑलमोस्ट हर घर का रूटीन चेंज हुआ है। मोस्टली घरों में, इंक्लूडिंग अस, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और ना सुबह उठने का टाइम वो पहले वाला रहा, ना ही रात को सोने का। बहुत ट्राई किया, उसके बावजूद भी ऐसा ही हो रहा है। प्रायोरिटीज़ हमारी लाइफ में बहुत चेंज हो गई है पिछले कुछ महीनों में। सभी पहले से बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस और हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं। हमारी क्लीनिंग हैबिट्स भी चेंज हुई हैं और बाहर से आने वाला लगभग हर सामान सैनिटाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारे ग्रॉसरी पैकेट्स, एवरीथिंग। अब सब घर पर हैं तो फैमिली टाइम भी बहुत ज़्यादा बीतने लगा है। पहले जो सिर्फ वीकेंड्स तक लिमिटेड था, जैसे कि वॉचिंग मूवीज टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर, गॉसिपिंग, वो सब अब लगभग रोज होने लगा है। ऐसे में बाकी कामों के लिए हमारे पास बहुत लिमिट का टाइम बच रहा है, जैसे कुकिंग वगैरह के लिए। ऐसा नहीं है कि मील प्लानिंग हमारी लाइफ का पहले एक हिस्सा नहीं थी। स्पेशली जब आप होम मेकर होने के साथ साथ बाहर भी काम करने जाते हैं तो मील प्लानिंग तो तब भी करनी पड़ती थी, पीरियडिकली करनी पड़ती थी। जैसे हमें ऑलरेडी एडवांस में लिस्ट बना के रखना पड़ता था कि कौन कौन सी ग्रॉसरीज आनी है, कौन से फ्रूट्स आने हैं, कौन सी वेजिटेबल्स आनी है, फिर उनके अकॉर्डिंग हमें शॉप करना पड़ता था। मील डिसाइड होता था कि हाँ, वीकली मेन्यू में हम लोग क्या बनाने वाले हैं। लेकिन कोरोना जो पेंडेमिक आया, इसके बाद से हमारी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। जैसे आउटसाइड फूड को तो कम्प्लीटली हम लोग अवॉइड कर ही रहे हैं। उसके अलावा अपनी डाइट को लेकर हम ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ज़्यादा हेल्थियर ऑप्शंस को हम चूज़ करना चाहते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं। बच्चों की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस घर से हो रही हैं तो उनके साथ भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आउटसाइड प्रोड फूड या आउटसाइड ऑर्डर्ड फूड को आजकल मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए जो आइटम्स हम लोग पहले बाहर से खरीद कर लाते थे, तो आजकल ट्रायल एंड एरर मेथड से हम घर पर ही उनको बनाना सीख रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यूनिक रेसिपी जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और साथ में आपको भी बहुत पसंद आएगी, एक ऐसी रेसिपी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जो बाकी वीडियोस भी मेरे आने वाले टाइम में आने हैं, उनमें भी मैं इसी तरीके के कुछ अपने मील प्लानिंग के, जो मेरे रूटीन जिन्हें मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी में मैं बनाऊँगी होममेड क्रीम चीज़, जो टेस्ट में बहुत ही रिच, क्रीमी और टेंगी होता है। जनरली इसे एक्टिव कल्चर्स की हेल्प से बनाया जाता है और बाद में इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन मैं तो घर में जो इजीली अवेलेबल आइटम्स हैं उनकी हेल्प से इन्हें बना रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने लिया 1 लीटर फुल फैट मिल्क, फिर इसमें एक अच्छा उबाल आने तक इसको गर्म करना है। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे आप कर दीजिए। फिर आधा नींबू का रस निकाल कर उसे 4-5 चम्मच पानी में मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लें और उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे दूध में डालें और उसके कर्डल होने का इंतज़ार करें। नींबू की जगह आप वाइट विनेगर या साइडर विनेगर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट विनेगर डालने से मिल्क ज़्यादा कर्डल होता है और आपको सेम अमाउंट ऑफ मिल्क से चीज़ भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जब आप इस तरीके से क्रीम चीज़ बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर करके रखेंगी तो आपके पास 24 आवर्स हमेशा क्रीम चीज़ अवेलेबल रहेगा और आपका जब मन हो आप नई नई रेसिपीज़ में इसको ट्राई कर सकते हैं और इसको बेकिंग में, कुकिंग में या फिर एज ए टॉपिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे केक की फ्रस्टिंग भी आप इससे बना सकते हैं, कपकेक की टॉपिंग आप इससे बना सकते हैं, रोल्स, बेगल या डोनट की टॉपिंग भी आप इससे बना सकते हैं। तो देखिए, अब ये दूध मेरा धीरे धीरे कर्डल होना स्टार्ट हो गया है।
दूध को अच्छे से कर्डल होने में 10-12 मिनट का टाइम लग सकता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसको इसी तरीके से धीरे धीरे चलाते रहें और आराम से कर्डल होने दें। और जो हम इसे चला रहे हैं, इसको एक चर्निंग की प्रोसेस ही समझिए। और दूध के जो हम आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि चीज़ या बटर या फिर छेना, तो उसमें जो कर्डलिंग की प्रोसेस है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जितनी अच्छी चर्निंग होती है उतना ही अच्छा प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट हमें मिलता है। और अब मेरे मिल्क के जो कर्डल्स हैं और वो ऑलमोस्ट सेपरेट होने लगे हैं। बहुत अच्छे कर्डल्स इसमें आए हैं और लाइट ग्रीन कलर का वे भी अलग से सेपरेट हो चुका है। अब इसको छान लेंगे। उसके लिए आप एक बड़ी छलनी या कोई चीज़ क्लॉथ ले सकते हैं और इसके वे को हम, जो हमारे कर्डल्स हैं, जो हमारा छेना बनकर तैयार हो गया है, उसको अलग कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये वे हमारा निकला है, ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। आप सब्जियों की ग्रेवी में या आटा गूंथने में इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सफ़ेद और मुलायम और साथ साथ दानेदार छेना बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक बार हम बहुत अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसके अंदर अगर विनेगर या नींबू जो डाला है उसका सारा फ्लेवर निकल जाए। अब हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको यूं ही छोड़ देंगे। बीस मिनट इसको हो गए हैं रखे हुए। अब हम इसको एक जार में डालकर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और फूड प्रोसेसर में ब्लेंड करते टाइम ध्यान रखें यह बिल्कुल भी ग्रे ना हो और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी रहे। ब्लेंड करते टाइम बीच बीच में चेक करते रहें, कहीं जो हमारा छेना है उसके ग्रेन्स ऊपर कहीं कलेक्ट ना हो गए हों। अगर ऐसा हुआ है तो उनको क्लीन करके बिल्कुल नीचे बॉटम में डाल दें और उसे फिर से ब्लेंड करें। जितना ज़्यादा हम इसको ब्लेंड करेंगे इसका टेक्सचर उतना ही क्रीमी रहेगा।
क्रीम चीज़ योगर्ट का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है और इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम। हमारा क्रीम चीज़ ऑलमोस्ट तैयार है। अब बात आती है इसकी सीजनिंग की। इसकी सीजनिंग के लिए वो डिपेंड करता है आप इसको कौन सी रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। आप इसमें गार्लिक डाल सकते हैं, आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, आप इसमें ऑरिगेनो डाल सकते हैं, आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हैं या फिर कोई और हर्ब्स भी अगर आप इसमें डालना चाहें उसकी हेल्प से आप इसे सीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पसंद की किसी भी रेसिपी में उसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सॉल्ट डालने के बाद स्टोर कर सकते हैं। मैं तो इसको प्लेन स्टोर करती हूँ और उसके बाद जब मुझे जिस रेसिपी में जैसा फ्लेवर चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसे सीज़न करती हूँ। और फ्रिज में 10 मिनट रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो हमारा आपने देखा किस तरीके से कुछ ही मिनटों में एक बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यूनिक रेसिपी तैयार हो गई है। अब हमें बार बार मार्केट के चक्कर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर में आराम से बनाकर रख सकते हैं और 10-12 दिन ये बहुत आसानी से चल जाता है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख दीजिए और इट्स गुड टू गो। जल्दी ही इसी तरीके की कुछ और यूनिक रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ ही कुछ किचन हैक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फटाफट मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।